हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना चिकन मसाला, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल मैं ढाबे स्टाइल से आज बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए, भुना चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन लिया है, फिर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काले मिर्च का पाउडर, फिर मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ इसको मैरिनेट करने के लिए। अब हाथ से अच्छे से चिकन के ऊपर अदरक लहसुन और दही का अच्छे से कोट कर देंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल दे रहे हैं, तो नमक हमें कई स्टेप में डालना है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। तो चलो, अच्छे से चिकन के साथ में सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। जब आप पहले इस तरह से मैरिनेट करते हो चिकन को, तो चिकन में जो अच्छे से अदरक लहसुन और दही का फ्लेवर जाता है, और चिकन बहुत टेंडर, बहुत जूसी बनकर तैयार होता है, और खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है। जो चिकन का थोड़ा सा रुखा रुखा सा होता है पीस, वो नहीं होता, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। चलो, अब इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, क्योंकि भुना चिकन मसाला मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिए, फिर इसमें कुछ गर्म मसाले डाल दें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता। अच्छे से 30 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद में मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और प्याज को हमें बिल्कुल भूरा करना है। अच्छे से 4-5 मिनट पकाने के बाद देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इस स्टेज तक हमें पकाना है इसको, क्योंकि हम भुना चिकन मसाला बना रहे हैं। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैं 3 से 4, 5 से 6 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जितना तीखा या कम ज़्यादा आप खाते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो पूरा ख़त्म हो जाए। अब हमारा ये मसाला जो है प्याज का, वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पहले चिकन को मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, इसे डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ में भूनेंगे। प्याज के साथ में सबसे पहले इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, अब चिकन अच्छे से प्याज के साथ में मिक्स हो गया है। अब इसे 5 से 6 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि चिकन का जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो अच्छे से जल जाए। हमें उस तरह से भूनना है इसको। देखो, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और लुक वाइज आप देख सकते हो कितने अच्छे से कोट हुआ है, अच्छा दिख रहा है। तो अब इसे बढ़िया से भून लेते हैं, और साथ ही साथ टमाटर भी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टमाटर मीडियम साइज़ की यूज़ कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन के साथ में। अब इसे ढककर रख देंगे, और 4 से 5 मिनट बाद एक बार हम खोल के देखेंगे, ये अच्छे से थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा है। तो अब हम साथ ही साथ इसमें अपने खड़े मसाले भी सारे ऐड कर दे रहे हैं, ताकि जो चिकन का पानी होगा उसमें साथ में मसाले भी हमारे पक जाएंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं, और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने पहले भी डाला था, तो थोड़ा ध्यान से नमक डालिए। अब सारी चीज़ों को अगेन हम मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरह से मसाला चिकन में डालते हो, तो अभी जो चिकन का पानी छूटेगा उसमें ही मसाला अच्छे से हमारा पक जाएगा, और इस तरह से जब मसाला पकता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गाइस, अब एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसमें चिकन मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिकन मसाला लिया है, इसे भी डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आप मसालों का कलर देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, तो ऐसे ही बिल्कुल हमें इसी तरह से मसालों को चिकन के साथ में अब लगभग 8 से 10 मिनट तक हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे, ढक्कन बंद करके। और ये देखिए गाइस, ये तेल ऊपर सेपरेट होने लगा है 8 से 10 मिनट बाद, और कितना अच्छे से मसाला हमारा पक रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसे हम 2-3 मिनट और भून लेते हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद में अब थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, ताकि इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, कुकर की तली में मसाला थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, तो बिल्कुल इस स्टेज तक हमें पकाना है चिकन को मसाले के साथ में। तेल भी अच्छे से ऊपर से छूटने लगा है, तो इट मीन्स कि मसाला चिकन में अच्छे से हमारा पक गया है। और जब इस तरह से मसाले का कलर हो जाए, तब आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मसाला चिकन के साथ में बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया है।
अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी कंसिस्टेंसी में ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा पानी हमें कम लग रहा है तो आधा ग्लास मैं पानी और डाल दूँगी इसमें। तो अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ये अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसकी सीटी लगा के 1 से 2 सीटी पे हम कुक कर लेंगे। चिकन ऐसे ही भूनते समय हाफ कुक हो गया तो बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की नीड नहीं है। सो गाइस ये देखिए 2 सीटी के बाद में जब प्रेशर अच्छे से निकल गया था तब ढक्कन मैं खोल रही हूँ। आप देख सकते हो लुक वाइज कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये लीजिए बिल्कुल भुना चिकन मसाला हमारा बन खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप देख सकते हो पीसेस कितने अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए दोस्तों हमारा भुना चिकन मसाला खाने के लिए बिल्कुल रेडी। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।